नमस्कार, एक मैं सागर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे सागर स्पोर्ट्स मालदा में। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम, क्रिकेट हेलमेट। आप सबको पता ही होगा, एक हमारे महान प्लेयर थे जो हमारे मतलब हमारे जनरेशन के प्लेयर थे, फिलिप ह्यूज, जिनका डेथ हो गया था। और भी बहुत सारे प्लेयर हैं, फिर हमारे वेस्ट बंगाल जो कोलकाता का जो फर्स्ट डिवीजन का मैच होता है वहाँ पे कोई अंकित केसरी बोलकर एक मारे गए थे, तो वो शायद कोलाइड कर गए थे, तो फील्डर कोलाइड था वो शायद, पता नहीं, लेकिन हेड में चोट भी रहती थी, वो उनका डेथ हुआ था। तो उस टॉपिक को ही लेकर आज मैं सोचा कि अब क्रिकेट हेलमेट्स को कितना इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। और वैराइटीज़ ऑफ हेलमेट भी होते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ कि किस रेंज में कौन सा हेलमेट मिलता होगा, क्या प्रोटेक्शन है नहीं है, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर दूँ। वो मेरे पास एक दो कॉल आए थे क्रिकेट हेलमेट, मतलब श्रेय के लिए आए थे। ये डब्बा है श्रेय का, आप देख सकते हैं, तो ये श्रेय का है, इसके लिए आया था। लेकिन मैंने सोचा श्रेय के साथ में और भी कुछ कुछ हेलमेट्स हैं, उनका भी मैं आपको प्रोटेक्शन क्या है, इनका कितना प्रोटेक्शन कर दे सकते हैं ये हेलमेट्स, वो सब एक्सप्लेन कर दूँ। तो चलो मैं श्रेय के साथ स्टार्ट करता हूँ। ये फिलहाल में हमारे पास श्रेय है, स्टैनफोर्ड है और SS है, ये तीन ब्रांड का हेलमेट्स अवेलेबल है हमारे पास सागर स्पोर्ट्स में। तो श्रेय से स्टार्ट करता हूँ मैं। ये श्रेय का मॉडल है, ये श्रेय क्लासिक, एक बार दिखा देना, श्रेय क्लासिक। और इसका MRP है 2999, मतलब 2999। एक बार खोल के पास दिखा दे रहा हूँ आपको मैं, ये हेलमेट का कहता है इसका प्रोटेक्शन, ये है हेलमेट, ग्रिल स्टील ग्रिल है ये, और ये फिक्स आता है इनका, इस मॉडल में ये फिक्स आता है। और पीछे ये है थोड़ा टाइट करना, और जो आपको ढीला करना हो एडजस्टर बोलते हैं। पर अंदर का प्रोटेक्शन देख लीजिए आप, ये अंदर का फोमिंग पैडिंग, ये प्रोटेक्शन अच्छा दे रखा है। ये रिमूवेबल, अगर ये खोल के आप धो सकते हैं या फिर पसीना ज़्यादा आ जाए इसमें तो निकाल कर निचोड़ भी सकते हैं। ये प्रोटेक्शन है, ये श्रेय का हेलमेट है। ये पीछे इनका लोगो श्रेय का। अगले मॉडल करते हैं श्रेय का। एक मॉडल है ये मैच 2.0, इसका MRP है 1499। तो बहुतों ने सोच रखा होगा कि श्रेय का हेलमेट बहुत महंगा आता है, कॉस्टली आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, श्रेय का लो बजट का भी हेलमेट आता है। और इनकी प्रोटेक्शन जो ग्रिल्स हैं अच्छे हैं, ये भी आपको खोल कर दिखा देता हूँ मैं। तो श्रेय सिर्फ महंगा ही सप्लाई करता है, ऐसा कुछ नहीं है, कम दाम के भी आते हैं श्रेय के हेलमेट, बजट वाले जो फ्रेंडली बोलते हैं, पॉकेट फ्रेंडली बजट, उसमें भी आता है। ये ऐसा आता है, ये खुला आता है कि बॉक्स छोटा है इनका। तो ग्रिल देख लीजिए आप एक बार, ग्रिल दिखा दे रहा हूँ, ये ग्रिल है इनका, इसका सेप अलग सा टाइप का है, जो पहले राउंड टाइप का था अब ये राउंड नहीं है। यहाँ से आपको समझ में आएगा, देखिए ये थोड़ा कर्व है यहाँ से, ये एडजस्ट है, इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने विजन को। और इसका ऊपर का दिखा देता हूँ आपको मैं, ये है इसके ऊपर का मटेरियल, हार्ड है। ये पीछे लोगो श्रेय का, ये इसका अंदर का प्रोटेक्शन देख लीजिए, अच्छा है प्रोटेक्शन, यहाँ दे रखा है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन उन्होंने, इसमें भी वही है, इसको आप डिस्पैच इसको निकाल सकते हैं और ये एडजस्ट कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, ढीला कर सकते हैं आपके सर के साइज के अकॉर्डिंग। तो ये एक मॉडल था मैच 2.0। हमारा अगला हेलमेट है, ये स्टैनफोर्ड का है, स्टैनफोर्ड प्लैटिनम मॉडल है ये, और ये ओल्ड प्राइस है इनका, ये 2475, 2475 रुपये, ये पुराना प्राइस है। फिर भी आप मॉडल देख लें एक बार, ये देखो इसमें बहुत, ये जो संगकारा यूज़ करता था ना मॉडल, उस टाइप का मॉडल, ये फ्रेश मॉडल है, अच्छा लगता है ये, मतलब वो ट्रेडिशनल शेप में था, ये ट्रेंडी या फिर न्यू शेप में बोल सकते हैं आप इसे। ये ग्रिल स्टील ग्रिल, साउंड आ ही रहा होगा आपको। और ये पीछे से ये एडजस्टर है, ये इसे आप इधर घुमाओगे तो टाइट होगा, ये ढीला होगा, ये ढीला हो जाता है और ये टाइट होने का। और अंदर का प्रोटेक्शन देख लो इसका, कुशनिंग, ये कुशनिंग बहुत अच्छा है इसका, पैडिंग अंदर का पूरा फुल कर रखा है, यहाँ पे एयर वेंट्स है ये। अब चलते हैं हम अगले मॉडल पे, ये है हमारे पास SS गट्सी स्मॉल है, ये 1050, इसका दिखा देता हूँ आपको मैं। आपको जो भी मॉडल पसंद आया ना, हमारे पास सारे मॉडल अवेलेबल हैं। फिर ये देख लीजिए इसका ग्रिल, ये ग्रिल भी अच्छा है इनका, लेकिन थोड़ा हल्का है ये ग्रिल, ये देखिए
उनके प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग ये भी प्रोटेक्शन अच्छा देगा। मतलब मैं जूनियर्स को सजेस्ट करूँगा आप ये आराम से ले सकते हैं, लेकिन सीनियर्स के लिए मैं नहीं करूँगा। सीनियर्स के लिए वो थोड़ा आप ओल्ड हो, हाई रेंज के तो अच्छे। ये हैं ग्रिल्स अंदर प्रोटेक्शन देगा। अच्छा मटेरियल है, अच्छा यूज़ किया, और इसमें कुछ पीछे का कुछ गार्ड नहीं आता। और ये देख लो इसका कुशनिंग, कुशनिंग अच्छा है इस हेलमेट को। अब चलो नेक्स्ट मॉडल दिखाता हूँ आपको मैं। ये भी एसएस का ही है, एसएस रॉयल 1450, 1450 नाम है इसका। इसका जो ग्रिल है ये ब्लैक कलर का है और थोड़ा अलग मॉडल है। एक्स्ट्रा ग्रिल दिया हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं लाइनिंग एक बार। ये जो लाइनिंग है इनका अंदर से ये एक्स्ट्रा दे रखा है इन्होंने, ये है ना। और ये है हार्ड है, ये बजट फ्रेंडली हेलमेट है। शाइनी मटेरियल दे रखा है, प्लास्टिक अच्छा है। और अंदर का प्रोटेक्शन देख लो आप, ये कुशनिंग अच्छा है इनका। नेक्स्ट मॉडल पे, ये हमारा नेक्स्ट मॉडल है बजट फ्रेंडली श्रेक, और एक मॉडल है और इस मॉडल का नाम है स्टार 1249 ओनली। बहुत सस्ता है, बजट फ्रेंडली है, आपको ले सकता है इसे। और इसे आप देख लो, ट्रेडिशनल शेप है इनका, पीछे लोगो। और अंदर का इसमें थोड़ा आपको कम मिलेगा, अंदर का जो कुशनिंग होता है थोड़ा हार्ड कुशनिंग, क्योंकि प्राइस थोड़ा इनका नीचे का है। ये लोग लो रेंज की मॉडल है, ये तो कुशनिंग देख ले सकते हो। इसमें भी है, ये है एडजस्ट, इसको खोल कर लगा सकते हैं नीचे, पीछे हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, सॉरी हाइट नहीं साइज आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने सेल के अकॉर्डिंग। और इसका ग्रिल लगी, ये रहा इसका ग्रिल। ये स्टील का तो नहीं, मेटल का ये। और इसमें हाइट एडजस्ट कर सकते हैं आप हेलमेट अपना, जो वाइजर होता है ना व्यू के लिए। और ये भी अच्छा है, कड़ाई है ये भी। नेक्स्ट हेलमेट में आते हैं, ये मॉडल भी सेम ही है स्टार, तो दिखाने का अभी जो लास्ट दिखाया आपको वो स्टार मॉडल, ये वो स्मॉल था, ये मीडियम साइज है। सारे साइज अवेलेबल है हर मॉडल के, जिस साइज में चाहिए मिल जाएंगे आपको। ये है स्लैसर, ये स्लेसर है, आप देख लीजिए एसएस का स्लेसर। और भी बजट फ्रेंडली हेलमेट है ये एसएस का, बहुत ही सस्ता है, 835 ओनली। कई प्रोटेक्शन देख लीजिए, रेड कलर का इन्होंने दे रखा है। साउंड आ रहा होगा, मेटल है, अच्छा है ये, अच्छा है। और वाइज़र अच्छा ही दिया इन्होंने इस बजट में, ये वाइज़र दे रहे हैं। और 835 का बजट में ये कुशनिंग भी बहुत अच्छा सप्लाई ये प्रोवाइड कर रही है। देखिए इस तरह अंदर का कुशनिंग, बहुत अच्छी कुशनिंग है। बट हाँ, अगर आप सीनियर लेवल पर क्रिकेट खेलोगे 140 या 130 प्लस, तो फिर आप इसे, मैं उन्हें प्रेफर नहीं करूँगा ये हेलमेट। बिगनर्स के लिए सही है ये हेलमेट, क्योंकि ये थोड़ा नरम है, थोड़ा सॉफ्ट है ये मटेरियल उसका। तो आते हैं नेक्स्ट वाले, नेक्स्ट वाले। ये एक मॉडल है एसएस का, मैक्सिमस सीनियर 2960 है, ओल्ड प्राइस है ये, इससे प्राइस इंक्रीज हो गया अभी इसको। इसको प्रोटेक्शन देगी बस, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड मटेरियल है, इस पे स्टिक है इसका। देखिए इसमें आपको बैक गार्ड मिल जाता है, ये अगर होता तो फ्लेशियस का डेथ हो रहा होता, उनके हेलमेट में ये नहीं था शायद, उसके बाद से ये बनना स्टार्ट हुआ है। तो इस एसएस का, इस मॉडल में, एसएस मॉडल में ये है। और इसमें भी है साइज एडजस्ट, आपको एडजस्ट कर सकते हैं साइज को, बड़ा छोटा कर सकते हैं। और इसका अंदर का कुछ नहीं, एयर वेंट्स दे रखा है एयर पास होने के लिए, ये अंदर का है इसका। आपको और एक दिखा देता हूँ, एक लास्ट मॉडल है वो भी दिखा देता हूँ। ये है श्री का मिडिल रेंज बोल सकता हूँ, लो बजट नहीं बोल सकता ऐसे में। और ये प्रो गार्ड एयर
5499 सारे 5000 का हेलमेट है। और इसको भी दिखा दे रहा हूँ आपको खोल कर। हाँ, ये इनका कवर है हेलमेट का, तो दिखा देता हूँ खोल कर आपको। और इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल नहीं दे पा रहा हूँ आपको, एक वीडियो बनाकर मैं दूंगा कुछ दिनों बाद, जिसमें एक एक डिटेल दे दूंगा हेलमेट में क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता है। इसे मुझे दिखाना था सारे हेलमेट, इसलिए मैं दिखा दिया। कोई सही का लोगो पीछे, ये फिक्स है, आप इसे नहीं कर सकते एडजस्ट। और ये इसका व्यू, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ही सॉलिड है, बहुत सॉलिड मटेरियल इसको। और इसका पीछे में एडजस्ट हो, इसका ग्रिप देख लीजिए अंदर, अंदर का जो कुशनिंग है बहुत अच्छा है, फोमिंग एंड पैडिंग अच्छे दे रखा है, मटेरियल अच्छा है। और ये चिन गार्ड, और इसमें एक्स्ट्रा रेयर दे रखा है इन्होंने, जेल को या जी को क्या बोलते हैं इसे, अगर कोई यहीं से निकल जाए तो उसे लगाने वास्ते। ये कार्ड इनका, ये मिडिल रेंज का हेलमेट है। तो ये सारे हेलमेट्स अभी अवेलेबल हैं मेरे पास, और इनके स्टॉक भी पड़े हैं मेरे पास। एक एक डिटेल्स तो नहीं दिया इस वीडियो में मैं, क्योंकि आपको सारे मॉडल दिखाया था। एक वीडियो बनाकर मैं दे दूँगा आपको, इसमें सारे डिटेल्स दे दूँगा, किस चीज़ का बना होता है, ग्रिल है, ये स्टील का है, टाइटेनियम का है, किसका है, क्यों होता है, साइड की ये जो ये कवर्स हैं ये क्यों होते हैं, सारे डिटेल्स मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक करके दे दूंगा आपको। तो ये था हेलमेट का मेरा वीडियो, हेलमेट ये सारे मार्टिन कंपनी के अवेलेबल हैं मेरे पास, और एसजी का भी है नहीं, एसजी का भी आने वाला है, जिसलिए भी दिखा नहीं पाया मैं आपको, अगले वीडियो में दिखा दूंगा। और हेलमेट मैं सभी को बोलने पर बोलना चाहूँगा, मेरे जो वीडियो जो भी देख रहे हैं, क्रिकेटर हो, बड़े हों, छोटे हों, जो भी हो, बड़े हों तो उनसे रिक्वेस्ट है, और छोटे हैं तो मैं उनसे अपना एक एक्सपीरियंस देना चाहूँगा, क्योंकि हेलमेट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के लिए। तो आप जब भी खेलो ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत होना, हेलमेट हमेशा यूज़ करो, स्पिन बॉल हो या पेस हो या फास्ट बॉल हो, हेलमेट आप हमेशा यूज़ करो, बहुत अच्छा विजन मिलता है आपको, कॉन्फिडेंस मिलेगा हेलमेट यूज़ करके, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिकेट है ये हेलमेट। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसको डिटेल्स लेकर आऊँगा हेलमेट का, क्यों होता है, क्या होता है, वेट क्या होता है हेलमेट का, मैं सारा डिटेल्स लेकर आऊँगा, क्या वेट पहनना चाहिए नहीं चाहिए। तो तब तक आप वीडियो देखिए फिर से, आप अगर आपको अच्छा लगा हो या कुछ मिस कर रहे हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, पसंद आए, नॉलेजेबल लगे कि हाँ मैंने सही बताया है तो आप शेयर कर सकते हो, पसंद आए तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना सब ख्याल रखिए, अच्छे से क्रिकेट खेलिए एंड यूज़ हेलमेट।